ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है वो है सभी लोग नोट करते जाइए जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र से रिलेटेड विचार। अर्थात कहने का मतलब है कि जो स्वामी जयप्रकाश नारायण जी जो है सभी क्वेश्चन में देखिए जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र संबंधी विचार, लोकतंत्र संबंधी विचार की बात की जाए कि किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र से संबंधित जो विचार दिए हैं, कौन कौन से विचार दिए हैं, कौन कौन से विचार हैं और किस किन विचारों में क्या, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है थोड़ा सा लिखेंगे उसमें कि जयप्रकाश नारायण, सभी लोग लिखते जाएंगे जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र में आस्था रखते थे। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र में आस्था रखते थे परंतु वे प्रजातंत्र के तत्कालीन स्वरूप से संतुष्ट नहीं। क्या है? तत्कालीन स्वरूप से संतुष्ट नहीं थे। लोकतंत्र के संबंध में उनकी जो धारणाएं हैं या धारणाएं थी उन धारणाओं का को हम समझेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित धारणाएं हैं। अब वो कौन कौन सी धारणाएं हैं उनको हमें समझना है। तो धारणाओं को समझेंगे तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली की आलोचना। क्या था? संसदीय प्रणाली की आलोचना। संसदीय प्रणाली की आलोचना देखिए आप। अब क्या था कि संसदीय प्रणाली चलती थी उसकी वो क्या करता है आलोचना कौन करते थे? जयप्रकाश नारायण जी ने अपने विचारों के माध्यम से लोकतांत्रिक विचार जब व्यक्त किए तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो अवधारणा दी उनकी अवधारणा थी संसदीय प्रणाली की वे सख्त विरोधी थे। अर्थात वो उसकी आलोचना करते थे। किसकी? संसदीय प्रणाली की। संसदीय प्रणाली की आलोचना करते थे। प्रणाली की आलोचना करते थे कौन? जयप्रकाश नारायण। इसके बाद वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था का विरोध लिख लेंगे। नेस्ट जोन की अवधारणा थी, नेस्ट जोन का विचार था क्षेत्र में तो निर्वाचन लिख लेंगे। वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था का विरोध क्या लिखना है कि वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था का विरोध या निर्वाचन व्यवस्था का विरोध करते। अर्थात जयप्रकाश नारायण जी का विचार था लोकतांत्रिक शासन से जुड़े और उसमें वो वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था का विरोध करते थे। अर्थात जयप्रकाश नारायण के अनुसार वर्तमान निर्वाचन प्रणाली भी द्वेषपूर्ण है। कैसी थी? द्वेषपूर्ण, क्योंकि इस व्यवस्था में धन का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। उनका मानना था कि जो है इस प्रणाली में धन का प्रयोग किया जाए, धन और धन के बल पर चुना गया कोई राजा या कोई पदाधिकारी वो जनता के लिए नहीं होगा। ये कौन मानते थे? जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि जो वर्तमान निर्वाचन प्रणाली जो थी या व्यवस्था थी वे इसके सख्त विरोधी थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह प्रणाली या यह व्यवस्था जनहित के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान में जो चुनाव होता है जो निर्वाचन व्यवस्था है वो धन से संबंधित होती है और धन देखिए और क्या लिया जाता है निर्वाचन करा दिया जाता है ना। इस प्रकार की वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था का विरोध ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात होगी, नेक्स्ट जो विचार होगा था
वो है लोकतंत्र का आधार नैतिक मूल्य। उनका कहना था कि लोकतंत्र का आधार क्या हो, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य अर्थात जयप्रकाश नारायण जी क्या मानते थे, वो चाहते थे कि जो लोकतंत्र है यह लोगों का नैतिक मूल्य हो। अर्थात कहने का मतलब है लोकतंत्र का आधार नैतिक मूल्य हो। उनका कहने का मतलब था कि जो नैतिकता जो अच्छाई है वो फैले प्रत्येक स्थान। क्या ऐसा हो पा रहा, ऐसा नहीं। इसलिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र का प्रमुख आधार नैतिक मूल्य माना गया और आधुनिक युग में लोकतंत्र की प्रणाली प्रणाली या संविधान राजनीतिक दलों और निर्वाचनों को विशेष महत्व दिया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है। परंतु यह है कि ध्यान रखने योग्य बात है कि कौन सी बात ध्यान रखने योग्य है कि जनता नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक तत्वों, ध्यान रखना है जनता है तो नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा करती है। क्या करती है, उपेक्षा करती। इस चीज को समझना, ये समस्त व्यवस्था उचित परिणाम नहीं देगी, ऐसा वो मानते थे। सभी व्यवस्था कैसी है, उचित परिणाम नहीं देती देगी और ना ही लोकतंत्र को सफल होने देगी। कैसी व्यवस्था, जो निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, क्यों किया था, क्योंकि वो मानते थे कि इसमें अधिकतर धन का प्रयोग होता, मत का प्रयोग नहीं धन का प्रयोग, इसलिए वो इसके सख्त विरोध। अब वो चाहते थे कि व्यक्ति की नैतिकता को, नैतिकता उसकी अच्छाई को उसके मत को समझा जाए, ना कि उसे धन से खींचा जाए, है ना। ऐसा वो कौन मानते थे, जयप्रकाश नारायण जी का। इसीलिए उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए बहुत सारे विचार व्यक्त किए हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो इनके जो लोकतंत्र से संबंधित विचार हैं, उन्होंने तीन चार दो तीन प्रकार के विचार दिए थे, वो आपको हमने बता दिए हैं। और इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक था यही था, और बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए।